हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। यदि दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में, क्योंकि हमारे पास बहुत ऐसे व्यूवर्स ने कमेंट किया कि सर मुझे ये बताइए कि मैं ऑस्ट्रेलिया में जाकर लगभग कितना कमा सकता हूँ, एक हेल्पर की डिग्री में जाना चाहता हूँ। तो मैं इंटर तक किया हूँ, मैं हाई स्कूल तक किया हूँ, मैं 8वीं तक किया हूँ और मुझे जाना है ऑस्ट्रेलिया कंट्री में एक हेल्पर की लाइन में, वर्क परमिट वीजा लेकर जाना चाहता हूं। दोस्तों मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट आने के बाद मैं कुछ सोचता हूं अपने व्यूवर्स को अच्छी जानकारी और न्यूज़ दे दूं ताकि वो कभी भी किसी भी संकट और दिक्कत में ना पड़े। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं देश विदेश कंट्री के बारे में नए इन्फॉर्मेशन और जानकारियां देते रहता हूं। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक हेल्पर की डिग्री क्या होता है, हेल्पर का कौन कौन सा काम आता है और यदि आप ऑस्ट्रेलिया कंट्री में जाते हैं एक हेल्पर में, आप पढ़े लिखे कितनों रहो ये माने नहीं रखता है। अगर एक हेल्पर की डिग्री में जाते हैं तो आपसे क्या क्या काम करा सकते हैं जो हर स्टूडेंट वह काम नहीं कर सकता है, क्योंकि तापमान ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा रहता है। आप चाहे जिससे भी उससे पता कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में धूप कितना होता है। यदि आप इंडिया के रहने वाले हैं, पाकिस्तान के रहने वाले, बांग्लादेश के, भूटान के, नेपाल के, काठमांडू के, राजस्थान से, गुजरात के, किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करना चाहते हैं और करते हैं, चाहे आप किसी भी कंट्री के हैं और आप एक हेल्पर की डिग्री में जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया कंट्री में, तो आप लगभग कितना कमा लेंगे और कितनी कठिनाई पड़ता है एक हेल्पर में, आज हम इस वीडियो में आपको बता दूं। दोस्तों ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इंटर ले पढ़े हैं, आप हाई स्कूल ले पढ़े हैं, बीए किए हैं, एलएलबी किए हैं, जो मर्जी तो आप किए हैं, पर एक काम जो होता है हेल्पर की लाइन में ये बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसमें आपको कंडक्शन में काम मिलेगा हेल्परी में उसका कोई पता नहीं, टाइल्स मेसन का काम मिलेगा हेल्परी में उसका कोई पता नहीं, यदि आप सरिया का काम करते हो उसका काम मिलेगा हेल्परी में पता नहीं, यदि आप पाइप फिटर, प्लम्बर, एल्युमिनियम कोई भी काम करते हैं हेल्पर के लाइन में तो उसका कोई पता नहीं, या चाहे क्लीनिंग की सफाई फाई कर रहे हैं, लैट्रिन की सफाई कर रहे हैं। सब दोस्तों मैं सच्चाई बताता हूँ, ये नहीं कि मैं अपने व्यूवर्स को कोई गलत न्यूज या इन्फॉर्मेशन देता हूँ, सब सच्चाई बताता हूँ कि एक हेल्पर की वैल्यू क्या होती है। मैं आपको पूरी जानकारी इसलिए दे देता हूँ कि आप कभी भी जाएं पैसा लगाकर तो पछताए ना। ठीक है दोस्तों, या तो हेल्परी में लैट्रिन बाथरूम साफ करने को दे देगा, या तो कह सकते हैं हेल्परी में आपको झाड़ू लगाने को दे देगा, सड़क साफ करने को दे देगा, रूम साफ करने को दे देगा, नाली में से सफाई कराने लगेगा, गटर में सफाई कराने लगेगा, संडास सफाई कराने लगेगा। हेल्पर की लाइन की कोई डिग्री ना कोई वैल्यू रखता है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, हेल्पर का एक ऐसा लाइन है जिनका कोई ठिकाना नहीं आपसे कौन सा काम करा लेते हैं। यदि आप ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए सोच रहे हैं, अच्छी बात है, जाइए पैसा कमाइए, पर दोस्तों मैं ये कतई नहीं कहूँगा कि आप कभी भी हेल्पर लाइन में जाइए, क्योंकि हेल्पर लाइन का वह लाइन होता है जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती है कि आपसे क्या काम करा सकते हैं। यदि दोस्तों यदि हमारी बात को आपको 1% 5% अगर गलत लगता हो तो ये हमारी वीडियो आपसे बड़े आपसे जो हैं होशियार हैं, समझदार हैं, या आपसे जो भी मतलब काबिल के हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं, विदेश गल्फ कंट्री में कमा कर आए हैं, हमारी वीडियो उनको तक शेयर करके देखिए मेरे अंदर कितनी सच्चाई है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितनी मैं बात बताया हूं, आपको दूध के दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं सच्चाई इसलिए बताता हूं कि मेरा कोई भी व्यूवर्स यदि ऑस्ट्रेलिया कंट्री में जाता है एक हेल्पर के लाइन में, तो उसको सब कुछ अपने इंडिया, अपने पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, काठमांडू में रहकर ही पता होनी चाहिए कि हाँ हम जाएंगे तो वहाँ हमारे सर जो बताए थे एकदम सही है और हमें हेल्पर के लाइन में यही काम मिला है। ठीक है दोस्तों, आपको एक बात और बता दूं, हेल्पर की डिग्री में चाहे आप इंटर किए हों, चाहे हाई स्कूल किए हों, चाहे 8वीं किए हों, चाहे बीए किए हों, कोई भी क्लास हेल्पर में वैल्यू नहीं रखता है मेरे भाई मेरे दोस्त। वैल्यू ये रखता है कि आप कौन सा काम सीखे हैं, किस काम को आप जानते हैं, कौन सा काम आप अंजाम दे सकते हैं और किस काम में आपको रखा जाएगा और कितनी सैलरियां आपको दिया जाएगा, किस काम में आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है, किस काम में आपको एक्सपीरियंस है, किस काम में आपको रखा जाए, पैसा दिया जाए, सैलरी दिया जाए, रूम दिया जाए, आपको अच्छी फैसिलिटी दिया जाए, ये माने रखता है। बीए इंटर हाई स्कूल माने नहीं रखता है दोस्तों। काम अगर सीखे रहेंगे गल्फ कंट्री में, विदेश कंट्री में, ये माने रखता है। यदि आप ऑस्ट्रेलिया कंट्री में जाने के लिए सोच रहे हैं तो आपने कोई ना कोई काम जरूर सीख लीजिएगा। यदि आप ठान लिए काम नहीं सीखेंगे, हेल्पर के लाइन में जाएंगे, तो ये बातों को याद रखिएगा, जो मैं सच्चाई बताया हूँ वह काम आपको हेल्पर में मिल रहा है, बस पैसा मिलेगा 102%। आपको कोई नहीं हेल्पर लाइन में या चाहे किसी भी लाइन में पैसा ऑस्ट्रेलिया कंट्री में फंसेगा।
यदि दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको सच्चाई लगती है, अगर हमारी वीडियो आपको सही लगती है, तो मेरा वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, आप अपने वीडियो को, मेरे वीडियो को से जहां मर्जी वहां शेयर कर सकते हैं। आपका एक शेयर होने से हो सकता है किसी का फ्यूचर, किसी का टाइम, किसी का समय आप बचा सकते हैं। हम नहीं बचाएंगे, आप बचा सकते हैं यदि हमारी वीडियो उनको तक पहुंचाएंगे। तो यदि आपके मन में कोई सवाल, सुझाव हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों दीजिए इजाजत, फिर लेकर आएंगे कुछ अन्य बात आपके साथ। दोस्तों